तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टेनला प्लेटफॉर्म्स के स्टॉक के बारे में। टेनला प्लेटफॉर्म्स के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लोवर लो लोवर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टॉक ने बीच बीच में यहाँ पर रिकवर करने की भी कोशिश की लेकिन यहाँ पर स्टॉक कभी भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और हमको स्टॉक में लगातार गिरावट ही देखने को मिली है। लेकिन अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमको अगेन यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही है। आज भी हमको स्टॉक में 1.41% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर स्टॉक में ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 948 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1032 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1100 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1200 और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1300-1400 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ सब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 889 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 852 और 798 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सेलर नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।